नमस्कार बच्चों, मेरा नाम ईश्वरी है। मैं ZPSS पांच पाल वंचा में हिंदी अध्यापिका हूँ। आप सबको छठवी कक्षा का पहला पाठ आम ले लो आम पढ़ाने के लिए आई हूँ। बच्चों आप टेक्स्ट बुक्स निकाल के ध्यान से सुनो। हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम है बाल बगीचा एक। अब आपको हिंदी का परिचय छठवी कक्षा से हो रहा है। बच्चों हिंदी सीखने की आवश्यकता के बारे में मैं कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनो। हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हम द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं। हिंदी जानने से पूरे भारत में हम किसी भी प्रांत में आसानी से जी सकते हैं। बच्चों इसलिए हम हिंदी सीखना जरूरी है। आप ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो और अपना मन लगाकर सीखिए। बच्चों हमारा पाठ का नाम क्या है? आम ले लो आम, है ना बच्चों? इसका अर्थ क्या है? मामिड़ पनलु तीसको, मामिड़ पनलु। यहाँ हमको पाठ में अक्षर परिचय हो रहा है। ना, मा, रा, इसके साथ आ, आ का भी परिचय और आ की मात्रा का देख लिया बच्चों। क्या है? ना। इधर देखो, ना तेलुगु में भी दिया मैं, मा और रा, आ, आ और आ की मात्रा। तेलुगु में दीर्घम बोलते हैं हम इसको। समझ लिया ना बच्चों? बच्चों हमारा पाठ का नाम है आम ले लो आम। आम ले लो आम। यहाँ एक गीत दी गई, मैं एक बार गाऊंगी, तुम लोग ध्यान से सुनो। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है? अनार है या आम? दिखने में है पीले पीले, नाम इसका क्या है? नाम इसका आम है। बच्चों मैं यह गीत की अर्थ बताऊंगी। अब देखो, एक छोटी सी लड़की, इधर एक छोटी सी लड़की बैठ गई, कहा घर के बरामदे पर, देख रही थी टोकरी। क्या कर रही है बच्ची? टोकरी को देख रही है। टोकरी कहाँ है? एक औरत सिर पर रखकर उधर जा रही है बाहर से। बच्ची ने उस टोकरी को देख रही है। बच्ची ऐसा सोच रही है, टोकरी में क्या है? अनार है या आम? वो लड़की के मन में चिंतन आ गया, क्या है? अनार है या आम? टोकरी में क्या है? ऐसा सोच रही है। दिखने में है पीले पीले, दिखने में वो पीले पीले है, पसपु पच्चगा उन्नाय, इसलिए सोची नाम इसका आम है। आम कैसे होते हैं? आम का फल पीला, इसलिए वो लड़की सोची नाम इसका आम है। बच्चों मैं इसका अर्थ तेलुगु में बताती। एक छोटी सी लड़की, ओक चिन्न, एक अंटे ओक, छोटी अंटे चिन्न, बालिका, ओक चिन्न बालिका, देख रही थी टोकरी, ओक गंपनु चूस्तू उंदी, टोकरी अंटे गंप, टोकरी में क्या है अंटुन्नर, अंटे अक्कड ओक स्त्री मामिडि पल्लु अम्मुकुंटू गंपलो तीसुकोनि वेल्तुंदी,
ఏదో పళ్ళు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంది. ఈ అమ్మాయికి సరిగా కనిపించట్లేదు. అందుకని టోకరీ మే క్యా హై అని ఆలోచిస్తూ ఉంది. అనార్హయ్యా ఆమ్ అనుకుంటుంది. అంటే దానిమ్మ పళ్ళ, అనార్ అంటే దానిమ్మ పళ్ళు, లేదా యా అంటే లేదా, ఆమ్ మామిడి పళ్ళ అనుకుంటుంది. దిక్నే మే హై పీలే పీలే, చూడ్డానికి పసుపు పచ్చగా కనబడుతున్నాయంట పైన నుంచి పళ్ళు. అప్పుడు అమ్మాయి కనిపించింది, ఏమని పసుపు పచ్చగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి మామిడి పళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అనేసి నా మిస్కా ఆమ్ హే అన్నారు. అర్థమైందా పిల్లలు? ఇప్పుడు ఆమ్ లేలో ఆమ్ అని పాఠం పేరు ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా? ఎవరైనా అమ్ముకునే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, పళ్ళు అమ్మినప్పుడు, ఏదైనా అమ్మినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాటిని అమ్మడానికి గట్టిగా అరుస్తారు. అప్పుడు ఈమె దగ్గర మామిడి పళ్ళు ఉండడం వల్ల ఆమ్ లేలో ఆమ్ అని ఆ ఔరత గట్టిగా అరుస్తూ తిరుగుతూ ఉంటుంది వీధులమ్మట. అందుకని ఆమ్ లేలో ఆమ్ అనే పేరు పెట్టారు. ఎలా అనిపించింది మీకు? బాగుందా ఈ పద్యం, నచ్చిన గీతం? ఓకేనా బచ్చో? ఔర్ ఎక్ బార్ మై యహ గీత్ గావుంగీ, తుమ్ లోగ్ మేరే సాత్ గావో, ఠీక్ హై నా బచ్చో? एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका क्या है, नाम इसका आम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चों गीत में दो फल के बारे में सीख लिया ना हम, वो क्या है? अनार, आम। इधर देखो, आ से अनार बन गया, आ से आम, आ का आ से अनार है ना, अनार का अर्थ है दानिम्मा तेलुगुलो। इंग्लिश में पोमग्रेनेट बोलते हैं। यह अनार लाल रंग में है। और आम देखो बच्चों कैसे है, कलर देखो, रंग पीला है, है ना? हाँ, यह आ से बनता है आम, इसको तेलुगु में मामिड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, है ना बच्चों? कैसे है? बच्चों इधर देखो, सुनो बोलो, सुनो बोलो का अर्थ है विनंडी, माटलाडंडी, चप्पंडी। सुनना इसका अर्थ है विनडम, बोलना का अर्थ है माटलाडम, चप्पडम। यहाँ यह एक प्रश्न पूछा गया, चित्र में क्या क्या है? चित्र मीन्स क्या है? पिक्चर। चित्र में क्या क्या है? क्या क्या मीन्स वाट, ఏమేమి ఉన్నాయి? దేఖ బచ్చో, చిత్ర మే క్యా క్యా హై తుమ్ లోగ్ బతానా హై। పహలా ఏక్ లడ్కీ హై, ఏక్ ఘర్, ఏక్ పేడ్ ఔర్ ఆమ్ బేచనే వాలీ ఏక్ స్త్రీ, టోక్రీ మే పీలే పీలే ఆమ్ దికాయ్ దే రహే హై నా। దేఖ బచ్చో, బచ్చో అబ్ మై ఇస్కా అర్థ తెలుగు మే బతాతీ। चित्र में एक लड़की, ये बोम्मलो ओक अम्माई, ओक इल्लु, पेड़ अंटे चेट्टु, आम बेचने वाली एक स्त्री अंटे मामिड़ी पल्लो अम्मे ओक स्त्री, टोकरी में पीले पीले आम, टोकरी अंटे गंपा चेप्पुकुन्नां कदा, आ गंपलो उन्नटुवंटि पसुपु पच्चनी पल्लु, मामिड़ी पल्लु कनबड़ुतू उन्नायि मनकु। మన ఘర్ అంటే ఇల్లు కదా, తెలుసా మీకు? బచ్చో ఇదర్ సునో బోలో మే
दूसरा प्रश्न दी गई, लड़की क्या कर रही है? लड़की क्या कर रही है? इधर देखो, टोकरी देख रही है। टोकरी का अर्थ क्या है बच्चों? इधर दी गई मैं, टोकरी का अर्थ है गंपा, बुट्टा। इसको इंग्लिश में बास्केट बोलते हैं, है ना बच्चों? बच्चों अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखो, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? क्यों మీకు ఏ పండు అంటే ఇష్టము? ఎందుకు? నాకైతే ఆమ్ పసంద్ హై బహుత్, క్యూంకి ఆమ్ బహుత్ మీఠా ఫల్ హై. నాకైతే మామిడి పండు చాలా ఇష్టం, మీఠా అంటే తీయగా ఉంటుంది, ఇస్లియే ముజే పసంద్ హై. బచ్చం తుమ్ లోగోంకో కౌన్సా ఫల్ పసంద్ హై ముజే బతానా. बच्चों यहाँ पढ़ो, पढ़ो का अर्थ है चदुमु। यह गीत पहला पढ़ना है, पढ़ के आ मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना है। देखो बच्चों, यहाँ एक छोटी सी लड़की, यह एक एक शब्द है, छोटी एक शब्द, लड़की एक शब्द है ना। यहाँ आ मात्रा है तो ढूंढो। यहाँ पहला लाइन में नहीं है और दूसरा लाइन में नहीं है। तीसरा लाइन देखो, टोकरी में क्या है? क्या में आ मात्रा आए, है ना बच्चों? यहाँ हम गोला लगाना चाहिए। और नीचे देखो, अनार, अनार में भी आ की मात्रा है। और यहाँ या में भी है आ की मात्रा। और आम, आम में भी आ की मात्रा है, है ना बच्चों? और आखिरी लाइन देखो, यहाँ नाम, नाम में आ की मात्रा है, गोला लगाना। इसका में है आ की मात्रा, यहाँ भी हम गोला लगाना है, ठीक है ना बच्चों? समझ के यहाँ गोला लगाओ। बच्चों मैं इसका अर्थ तेलुगु में बताती। पढ़ो मीन्स क्या है? चदुवुमु। आ देखो, गीत में आ मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए, है ना? इसका तेलुगु मीनिंग पद्यमलो, पाटलो आ मात्रा వచ్చినటువంటి పదాల మీద గోళ అంటే రౌండ్ సర్కిల్ గీయమని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒకసారి పద్యం చదివి దాంట్లో ఆ మాత్ర అంటే దీర్ఘం వచ్చిన పదాలను మనం చూసి వాటికి రౌండ్ చుట్టాలి, సర్కిల్ చుట్టాలి. చూడండి, ఏక్ చోటి సి లడికి, ఇవన్నీ పదాలు. ఏక్ చోటి లడికి ఇవన్నీ పదాలు ఉన్నాయి. వాటిలలో ఎక్కడైనా మీకు ఆ మాత్ర కనిపించిందా? దీర్ఘం కనిపించిందా? లేదు. మొదటి లైన్లో లేదు, దూసరా లైన్ మే అంటే రెండో లైన్లో కూడా లేదు. తీసరా లైన్ దేకో, ఇక్కడ మూడో లైన్లో చూసినట్లయితే క్యా, క్యాలో దీర్ఘము కనిపించింది మనకు. ఆ మాత్ర క్యాకి మనం సర్కిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, అనార్, అనార్లో కూడా దీర్ఘము ఆ మాత్ర కనిపించింది. యాలో, యాలో కూడా ఆకి మాత్ర కనబడింది, దీర్ఘం ఆమ్కి కూడా కనబడింది. కాబట్టి వాటికి కూడా సర్కిల్ చేయాలి. లాస్ట్ లైన్ చూడండి, నామ్, నామ్లో కూడా ఆ మాత్ర ఉంది, ఆకి మాత్ర దీర్ఘం. ఇస్కాలో కూడా కాకి ఇచ్చారు అక్కడ. కాబట్టి వీటన్నిటికీ మీరు సర్కిల్ చేయండి. ఒకసారి మీరందరూ కూడా ఇదంతా చదివి మీరు స్వయంగా సర్కిల్ చేయండి. బచ్చం పడో మే ఏక నయా అభ్యాస్ ది గయి హై. ఇదే అనార్ శబ్ద పర్ గోలా ఔర్ ఆమ్ శబ్ద పర్ డిబ్బా లగానా హై.
देखो बच्चों, इधर चार चित्र दिए हैं। पहला चित्र है अनार। अनार के नीचे एक वाक्य है, यह अनार है। अनार है ना, इसमें अनार पर हम क्या करना है बच्चों? हाँ, गोला लगाना है ना? हाँ, लगाओ गोला। और दूसरा चित्र देखो, आम का चित्र है ना। आम के नीचे एक वाक्य है, क्या है? यह आम है। आम पर क्या लगाना है? हम एक डिब्बा लगाना है, डब्बा जैसा मारना है। और तीसरा चित्र देखो बच्चों, क्या है? आम का पेड़। इसके नीचे एक वाक्य है, यह आम का पेड़ है। देखो बच्चों, आम आया ना, आम आने से हम क्या करना है? आम को डिब्बा लगाना है हम। और आखिरी चित्र देखो बच्चों, क्या है? अनार, अनार, अनार के दाने हैं, है ना? नीचे एक वाक्य है, अनार के दाने लाल हैं। यह अनार आया, अनार आया तो हम क्या करना? गोला लगाना है ना? हाँ, अब गोला लगा लो बच्चों। दाने कैसे हैं? किस कलर में है? लाल रंग में है ना, देख लो बच्चों। बच्चों इधर देखो, पढ़ो सेक्शन आ गया ना। इसमें ई में चित्र देखो, शब्द पढ़ो, इन्हें वर्णमाला चार्ट में पहचानो, गोला लगाओ। पहला हम क्या करना? दी गई चित्र को देखना है, शब्द पढ़ना है। वर्णमाला चार्ट इधर दिया है ना, इसमें अक्षरों को गोला लगाना है। देख लो बच्चों, पहला अनार दिया है और दूसरा शब्द है आम। पहले शब्द पढ़ना है ना, क्या है शब्द? देखो अनार। अनार का चित्र भी इधर दिया गया ना। हाँ, अनार का अर्थ क्या है? पोमोग्रेनेट, दानिम्मा। और इधर दूसरा शब्द क्या है देखो बच्चों? आम। आम का चित्र इधर है, आम का अर्थ मामिड़ी, मैंगो बोलते हैं हम। इन शब्दों को हम अब अलग करना है। देखो बच्चों, अनार है ना, अनार को हम आ ना र ऐसा तीन भागों में बांटना है। और इसके नीचे हम आ उसी तरह लिख के ना को, ना से आ की मात्रा को अलग करना है, करके नेक्स्ट डिब्बे में लिखना है और रा, रा के नीचे लिखना है। देख लो बच्चों, आ ना, आ की मात्रा रा, आ गया ना। और देख लो बच्चों, आम, आम को भी हम डिवाइड करना है दो दो भागों में, आ म, है ना। इसके नीचे हम आ को भी अलग करना है, आ पहला आ लिखना है और दूसरा आ की मात्रा लिख के आखिरी में हम मा लिखना है ना बच्चों। बच्चों मैं अब तेलुगु में बताती इसका अर्थ, देख लो। पहला हम चित्र देखो अंटे बोम्मनु चूडंडि, शब्द पढ़ो, ये पदालु इच्चारु कदा किंद इच्चिनटुवंटि पदालनि चदवंडि, इवन्नीटिनि कूडा पक्कन इच्चिन वर्णमाला चार्टुलो मनमु वाटिकि सर्किल चेयाल्सि उंटुंदि अक्षरालकु, अवुना। इक्कड एमेम पदालु इच्चारो चूडंडि, फस्ट पदमु अनार, దీని యొక్క బొమ్మ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. అనార్ అంటే ఏంటి? దానిమ్మ, పొమగ్రనేట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆరు దూసరా శబ్ద క్యా హే? ఆమ్, మామిడి పండు, మ్యాంగో. దీని యొక్క బొమ్మ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ అనార్ ని మనము విడదీసి రాయాలి. అనార్ ని మూడు భాగాలుగా విడదీయాలి, ఆ నా ర్, అవునా. మళ్ళీ దీన్ని ఆని అలాగే రాసి నా ఒక్కదాన్ని మాత్రం, ఆకి మాత్రం వచ్చింది కదా, దీర్ఘం వచ్చింది కదా, దాన్ని విడదీసి పక్క డబ్బాలో రాసుకోవాలి. నా
తర్వాత ఆ కీ మాత్ర రాసి చివర్లో రా రాయాలి తెలిసిందా పిల్లలు ఈ ఆ నా ర అయిందా అట్లాగే ఆమ్ ని కూడా విడదీయాలి ఆమ్ ని మనం రెండు భాగాలుగా విడదీసాం ఒకటి ఆ ఒకటి మా మళ్ళీ దాన్ని ఆని కూడా కింద విడదీసి రాసుకున్నాం చూడండి ఫస్ట్ ఆ రాసి తర్వాత ఆకే మాత్ర పెట్టాము తర్వాత మా రాసాం ఇక్కడ మనకి ఏమేం అక్షరాలు వచ్చాయి చూడండి ఆ ఆ నా మా రా వచ్చాయా అనార్లో ఆమ్లో కలిపి ఈ అక్షరాలని పక్కన ఉన్న వర్ణమాల చార్ట్లో हम गोला लगाना चाहे सर्किल चेयाल्सि उंटुंदि देख लो बच्चों पहला आ आ का गोला लगाना है और दूसरा आ आ का भी गोला लगाना चाहे और नीचे देख लो बच्चों इधर ना आ गया मा रा ना का पहले गोला लगाओ और मा का लगाओ और रा का भी गोला लगाओ बच्चों समझ लिया ना बच्चों बच्चों पढ़ो में ये सेक्शन दी गई वर्ण बोलो और संख्याओं के अनुसार जोड़कर शब्द बनाओ पहले हम वर्ण बोलना है और संख्याओं के अनुसार जोड़कर शब्द बनाना है नीचे दिया है देखो पहला अक्षर है आ दूसरा है ना तीसरा रा चौथा अक्षर है आ पांचवा अक्षर है मा ऐसे अक्षरों के नीचे संख्या दी गई है बच्चों इधर कुछ प्रश्न दी गई है ना देख लो पहला प्रश्न है वर्ण तीन कौन सा है देखो बच्चों इधर तीसरा वर्ण क्या है रा है ना रा इधर लिखो और दूसरा प्रश्न देखो वर्ण पांच कौन सा है देखो इधर क्या है पांच के ऊपर अक्षर क्या है देखो माँ माँ है ना माँ इधर लिखना है और तीसरा प्रश्न देखो बच्चों वर्ण एक कौन सा है कहाँ है एक इधर है ना देखो क्या है आ आ को इधर लिखना है अब दो दो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है इधर देखो बच्चों चौथा प्रश्न देखो वर्ण दो फाइव कौन से हैं इन्हें मिलाकर पढ़ो क्या है देखो बच्चों दो दूसरा वर्ण क्या है इधर ना और पांचवा देख लो मा आ इनको हम जोड़ना है नाम नाम ऐसा पढ़ना है इधर लिखो और पांचवा प्रश्न देखो बच्चों क्या है वर्ण चार दो कौन से हैं क्या है देख लो यहाँ चार चौथा अक्षर क्या है चार के ऊपर क्या है आ है ना और दूसरा क्या है देख लो बच्चों ना है ना अब ये दोनों को मिलाओ मिला लिया ना क्या आया आना है ना पढ़ के लिखो और आखिरी प्रश्न देखो क्या है वर्ण पांच दो कौन से हैं इन्हें मिलाकर पढ़ो क्या क्या है पांचवा अक्षर क्या है मा और दूसरा अक्षर क्या है ना है ना बच्चों दोनों को मिलाओ मा ना मना है ना समझ में आया ना बच्चों बच्चों लिखो सेक्शन है ना इसमें देखो आ पहला इसमें मात्रा जोड़ो लिखो हम इस पाठ में किस मात्रा के बारे में सीख लिया आ की मात्रा है ना बच्चों कुछ अक्षर भी सीख लिया ना क्या क्या है ना मा रा ऐसा है ना अब देखो पहला हमको उदाहरण के लिए एक अक्षर दिया आ आ को
आ की मात्रा लगाने से आ बनता है ना बच्चों। अब ना दिया, ना को ये आ की मात्रा लगाने से कैसे बोलते हैं हम, ना। देख लो इधर, और माँ, माँ को आ मात्रा लगाने से माँ बनता है, और रा को, रा को आ की मात्रा लगाने से रा। ऐसा पढ़ना है और बार बार लिख के सीखना है बच्चों। बच्चों इधर लिखो सेक्शन दी गई ना, देखो लिखो का अर्थ है लिखना, राइडम टू राइट। इसमें आ दिया गया, आ में शब्द पढ़िए और लिखिए। शब्द पढ़िए इसका मीनिंग है पदाल चदवండి और మరియు లిఖీ అంటే రాయండి, చదువుకుంటూ రాయాలి అన్నట్టు। यहां कुछ अक्षर कुछ शब्द दिया है, नीचे देख लो बच्चों। अनार, नाम, मामा। अनार का अर्थ क्या है, पोमोग्रेनेट, दानिम्म। नाम, नाम का अर्थ क्या है, पेरु, नेम। मामा, मामा का अर्थ मामा, अंकल, है ना बच्चों। इधर हम इन शब्दों को देखकर इसके नीचे हम उसी तरह लिखना है। देख लो बच्चों कैसे पढ़कर, पढ़कर लिखना है। पहला देखो, आ नार, अनार, ऐसा लिखना है, और इसके नीचे भी उसी तरह लिखना है। अच्छा हैंड राइटिंग होना है बच्चों, और नाम भी वैसा लिखना है, नाम, नाम, और उसके नीचे नाम, नाम। आखिरी में देखो, मामा, 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 ऐसा पढ़कर अच्छी तरह लिखना है। बच्चों लिखो सेक्शन में ई है, ई में खाली स्थान भरिए। इसका अर्थ है खालीलनु पूरिंचండి, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों इधर पहला रिक्त स्थान देखो, लड़का डैश खाता है। इधर देखो डैश के ऊपर एक चित्र है ना, चित्र क्या है बच्चों, देखो आम है ना, आम इस डैश में लिखना है। हम लिख के पूरा, लड़का आम खाता है, पिल्लवाड़ मावड़ पंडु तिंटुन्नाडु अनेसि मनम इक्कड चेप्तुन्नाम अन्नट्टु। और दूसरा देखो बच्चों, यहाँ एक चित्र दी गई है, डैश के दाने लाल लाल हैं। देखो बच्चों डैश के ऊपर कौन सा चित्र है, अनार का है ना, इस डैश में हम अनार लिखना है, अनार के दाने लाल लाल हैं। इसका अर्थ है दानिम्म యొక్క గింజలు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి, లాల్ లాల్ అంటే రెడ్ కలర్, అనార్ కే దానే లాల్ లాల్ హై। సమజ్ లియా నా బచ్చో। బచ్చో ఇదర్ లిఖో సెక్షన్ మే ఈ ది గయి, అప్నే మన్ పసంద్ ఫల్ కా చిత్ర బనాయే, నామ్ లిఖియే। మీకు ఇష్టమైన ఫల్ పండు యొక్క చిత్రం బొమ్మ వేయండి, పేరు రాయండి। ముజే ఆమ్ బహుత్ పసంద్ హై బచ్చో, మై ఇదర్ ఆమ్ కా చిత్ర బనా లియా, దేఖ్ లో బచ్చో, హై నా కైసే హై, హా ఇస్కా నామ్ హై ఆమ్, సమజ్ లియా నా బచ్చో। తుమ్ భీ అప్నే మన్ పసంద్ ఫల్ కా చిత్ర బనావో और उसका नाम भी लिखो बच्चों।
बच्चों हमारा पाठ का नाम क्या है? आम ले लो आम। इसमें कुछ नए शब्द आ गए, इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। इधर शब्दार्थ, इसका मीनिंग है शब्दों का अर्थ। हम पहला कुछ शब्द हिंदी में दी गई, इसका मीनिंग इंग्लिश में और तेलुगु में भी दी गई। मैं देख लो बच्चों, पहला घर, इसका इंग्लिश मीनिंग है हाउस, तेलुगु में इल्लू। और लड़की, गर्ल, अम्माई, छोटी, स्मॉल, चिन्ना। आरा, इसका इंग्लिश मीनिंग है सा, SAW, तेलुगु मीनिंग है चेति रंपम। नाम, नाम का अर्थ है इंग्लिश में नेम, पेरो। देखना, टू सी, चूड़डम। रहना, टू स्टे, उंडडम। क्या बच्चों, इसका इंग्लिश मीनिंग है व्हाट, तेलुगु में एमिटी। क्या बोले तो व्हाट एमिटी। और देख लो बच्चों, में, इन, लो, लोपला। औरत, इंग्लिश में इसका मीनिंग है वुमन और तेलुगु में स्त्री। देख लो बच्चों, इधर फल आ गया, फल, फ्रूट्स बोलते हैं ना हम, तेलुगु में पंडलु, पल्लू भी। पीले, पीले रंग है ना, येलो, पशु पच्चा। है, एक है तो हम इज, उन्नदि, उन्नाडु बोलते हैं। है, चाला मंदि उंटे आर, उन्नवि, उन्नारु अनि चेप्तां। इसका, इट्स, दीनी योक्क, इसका मीनिंग जान लो बच्चों, सीख लो और अपने नोट्स में लिख लो। बच्चों इधर देखो, अंतर पहचानिए, इसका मीनिंग है डिफरेंस तेलुसुकोंडी, भेदान्नि चूडंडी। हम इस पार्ट में कुछ अक्षर सीख लिया ना, क्या क्या है? ना, मा, रा, आ, आ और आ की मात्रा। एक मात्रा के बारे में हम सीख लिया, क्या है? आ की मात्रा। कुछ शब्दों को आ की मात्रा लगाने से उस शब्द का मीनिंग पूरा अर्थ बदल जाता है। इधर कुछ शब्द दी गई, मैं देख लो बच्चों। पहला नर, नर का अर्थ है मानवड़। इसको आ मात्रा लगाने से नारा, ऐसा प्रोनाउंसिएशन में भी भेद आता है, अर्ध में भी भेद आता है। देख लो बच्चों, नारा का अर्ध है स्लोगन, निनादमु। ऐसा नल देखो, नल का अर्ध क्या है? टैप, पंप। आ मात्रा लगाने से नाला, इसका मीनिंग है कालवा। नम, नम का अर्थ है तड़चिना। नाम, नाम क्या है? पेरु। मन, मन का अर्थ क्या है? मनसु। इसको आ मात्रा लगाने से मान, मान मीन्स गौरवम। मनन, मनाना, मनन का अर्थ है चिंतन करना, चिंतन। मनाना अंटे जरुपुकोवडम। रमा, देख लो बच्चों इधर आ की मात्रा मा का आया। रमा एक लड़की का नाम। इधर देखो, रामा, रामा भगवान का नाम है ना बच्चों। इसका अंतर पहचानना, पहचान लिया ना? अब अगला शब्द बच्चों, पाठ समझ में आया ना? धन्यवाद बच्चों।